Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. प्रदेश में आजकल मॉनसून सक्रिय है, जिसकी वजह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी यही स्थिति बनी रहेगी। राजधानी की हवा में 74% आर्द्रता रिकॉर्ड की गई। गुरुवार को अररिया में राज्य में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जहां पर 45 मिलीमीटर बारिश हुई। पटना में 3.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बीते 24 घंटे में बक्सर, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, खगड़िया और सहरसा जिले में बारिश हुई। पटना मौसम विभाग ने बताया है कि गुरुवार को मॉनसून की ट्रफ रेखा राजस्थान के गंगानगर, आगरा, रांची होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से लेकर झारखंड तक एक चक्रवात बना हुआ है। वहीं शनिवार को राज्य में भागलपुर, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की उम्मीद है। हवा की दिशा पूर्वी से पछुआ हो गई है और झमाझम बारिश से भागलपुर का मौसम खुशनुमा हो गया। सुबह से तेज धूप की वजह से काफी परेशानी हुई। शाम होते होते तो उमस भरी गर्मी अपने चरम पर थी। फिर मौसम मेहरबान हुआ, अचानक काले बादल उमड़ पड़े और झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे मौसम खुशनुमा बन गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली।